आप सिरसागंज में संतोष यादव जी को चुनाव जिताओ और मैं आपसे वादा करता हूँ टूंडला में राकेश बाबू जी को चुनाव जिताऊंगा। जिनने घोषणा की है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े नहीं है। फिरोजाबाद की थ्रिसागंज विधानसभा समाजवादी पार्टी की सीट पर फंसा पेच। पूर्व सांसद अक्षय यादव ने संतोष यादव को जिताने की मंच से की घोषणा। थ्रिसागंज विधानसभा के वही वर्तमान विधायक हरिओम यादव ने कहा है कि किसी घोषणा के करने से कुछ नहीं होगा जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं करेंगे टिकट की घोषणा। मैं शिवपाल यादव के साथ हूँ और बाहर के आदमी को टिकट नहीं दी जाए। समाजवादी पार्टी की थ्रिसागंज विधानसभा सीट पर इस समय बातों का संग्राम से समाजवादी पार्टी की थ्रिसागंज विधानसभा सीट पर इस समय बातों का संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव में गठबंधन जो हो गया है। अब थ्रिसागंज विधानसभा सीट पर दो उम्मीदवारों की दावेदारी है। एक है संतोष यादव जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बहुत ही करीब हैं, तो दूसरी तरफ है वर्तमान विधायक हरिओम यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में समधी लगते हैं और शिवपाल यादव के बहुत ही करीब हैं। अब दोनों यही जद्दोहज में लगे हैं कि टिकट विधानसभा से किसको मिलेगी। दरअसल वर्तमान विधायक हरिओम यादव काफी समय तक समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव से मन मुटाव के बाद इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई कारणों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था और यह शिवपाल यादव के साथ उस समय आ गए जब शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की घोषणा की थी। लेकिन पहले दो पार्टियां थी, लेकिन अब दोनों में गठबंधन हो गया है, इसलिए आप वर्तमान विधायक हरिओम यादव सिरसागंज विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिवपाल यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन 19/12/2021 को सिरसागंज में जो जाटो समाज का सम्मेलन हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र पूर्व सांसद अक्षय यादव ने यह मंच से अपील की थी कि सिरसागंज से संतोष यादव को जिताने का काम करें और मीडिया के सवाल पर भी कहा था कि अभी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं है, लेकिन हम संतोष यादव को चुनाव लड़ाने के लिए लोगों से कह रहे हैं। आखिर क्या कहा आप भी सुनिए। आदरणीय अखिलेश यादव ने अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी सीट टिकले नहीं की है। पूरी यूपी में अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया। हम प्रसपा में हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, दोनों फैसला करेंगे कौन कहां से लड़ेगा। जिनने घोषणा की है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े नहीं है। टिकटों का फाइनल और टिकटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जब की जाएगी तब प्रत्याशी माने जाएंगे कौन प्रत्याशी है। कुछ चर्चा सर सिरसागंज में ऐसी भी थी कि आप बीजेपी से भी चुनाव लड़ेंगे तो आप जीत रहे हैं, लोगों का ये मानना है। देखिए बीजेपी से चुनाव, हम चुनाव की बात, चुनाव तो हमारी जनता जिताएगी। चुनाव हम जहाँ से लड़ेंगे हमारी जनता हमें अपनी भरोसा, हम जहाँ से लड़ेंगे हमें निर्दलीय जिता देगी। इस क्षेत्र में क्या महिलाएं बांझ हो गई हैं, बच्चे नहीं हैं जो चुनाव बाहर के लड़ने आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर हमारे किसान का, हर गरीब का बेटा ताकतवर है, उनसे ज़्यादा वोट ले जाएगा। आधिकारिक तो लिखित में आएगी, उसमें समय है, वो जब सबकी घोषणाएं होंगी तब होंगी। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और संतोष यादव जी को लड़ाने की अपील है। क्या किया जाता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News डाउनलोड